नमस्ते काल मैं सीए आपका एक और सेशन में। so guys, के का एक नमस्ते सॉरी उस चैप्टर में एक थियोरी है फर्स्ट शिकागो मॉडल उससे रिलेटेड एक समय है वैसे बिजनेस वैल्यूएशन का जो वैल्यूएशन ऑफ स्टार्टअप्स है वैल्यूएशन ऑफ डिस्ट्रेस्ड कंपनीज है ये सारों का मैंने है ना

प्रोबेबिलिटीज अब आप लोग ने अगर वो मेरा वीडियो देख लिया होगा थियोरी का तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दैट इसमें तीन सिनारियो एनालिसिस होते हैं जैसे आप लोग एडवांस कैपिटल बजटिंग में करते हैं एक बेस्ट केस एक वर्स्ट केस एक बेस केस ठीक है सो यहां पे है एक बेस्ट केस एक बेस केस मतलब मीडियम और एक एकदम वर्स्ट केस ये तीनों का रेवेन्यू और एक्सपेंसिस दिया है प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट ऑफ एबीसी द फर्स्ट शिकागो मेथड अपलाइंग डिस्काउंटिंग रेट दे दिया है 20% स्टार्टअप इज लोकेटेड इन टैक्स फ्री जोन बहुत अच्छी बात है सो इन शॉर्ट सीधा ही लिख दे नो टैक्स इंप्लीकेशन मल्टीपल फॉर टर्मिनल इज अ टेन नोट एप्रिशिएबल एसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी वो लोग ने अपने को दे दिया so, मल्टीपल तो, -फट अच्छा, तो इसमें क्या क्या अच्छी चीज है वो बता देता हूँ मल्टीपल फॉर टर्मिनल इज टेन तो इसको अपने इंपैक्ट देना है ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंटेड ध्यान रखना है तीनों जो प्रोबेबिलिटीज है बस ये अपना अगर सिस्टम क्लियर हो जाएगा तो आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे समथिंग शिकागो मॉडल बेस्ट इंपॉर्टेंट इज वॉट इज गोइंग टू बी कवर्ड बाई मी और कल मेरा आने वाला है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो सेकेंड पार्ट पेंडिंग है मेरी तरफ से वो कल आ जाएगा एंड वी विल बी डन एंड टस्ट ठीक है चलो आओ तो फटाफट इस क्वेश्चन इस को ओपन कर लो साथ में इसको सॉल्व करते हैं क्विकली एवरीबॉडी एक्सप्लेन yes. so, uh, so, कर दूंगा Base case और worst case फिर आप लोग से कर पाओगे अभी देखो यहां पर अपने को क्या दिया हुआ है सीनारियो सो टोटल रेवेन्यूज है वन करोड़ एंड एटी लैख का मेरा एक्सपेंसिस है राइट सो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों भी मेरा पॉसिबिलिटीज दिख रहा है आपको फटाफट अपने को लेके देना है कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटीज है तो मेरा ईयर वन में क्या पॉसिबिलिटी है ईयर टू में क्या पॉसिबिलिटी है एंड ईयर थ्री में क्या पॉसिबिलिटी है तो लेट्स सी रेवेन्यू दिया है एंड एक्सपेंसेस दिया है देखो कितना रेवेन्यू दिया है वो लोग ने रेवेन्यू दिया है हंड्रेड लाख का एक्सपेंसिस दिया है एटी लाख का तो हंड्रेड एक्सपेंसिस एट्टी ही से ये आ गया मेरा ट्वेंटी लैख यस सर ओके फिर बाद में आता है ना शॉर्टकट मार रहा हूं क्योंकि फटाफट अपने को यह कंप्लीट करना है सो so, यह मेरा आ जाता है अप्रोक्सिमेटली ट्वेंटी सेवन पॉइंट सिक्स तो ट्वेंटी सेवन लैक सिक्सटी थाउजेंड एंड दे लास्ट सिनारियो इज गोइंग टू बी 144 108, तो 144 108 ये आ जाता है 36 But wait, है 36 लाख। अब अपना टर्मिनल वैल्यू. Please guys, इसको skip मत करना. टर्मिनल वैल्यू का मतलब क्या होता है योर थ्री खत्म योर फोर स्टार्ट होने वाला अब जो है उसका वैल्यू क्या होगा सो so, योर वन प्लस योर टू योर थ्री देखो यन में मेरे को रेवेन्यू होने वाला है हंड्रेड लैक्स का एक्सपेंस होने वाला एटी लैक्स मतलब 20 लाख रुपया मैं कमाने वाला हूं कब एक साल के बाद चलो मैं टर्मिनल वैल्यू पे उसके पहले और एक पेप्ट फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूं तो एक साल के बाद 20 लाख कमाने वाला हूं मुझे तो आज का प्रेजेंट वैल्यू चाहिए सो मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कर दूंगा अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्वेश्चन में दिया है तो एज इट इज अपने को वही उठाना है पॉइंट एट थ्री थ्री सिक्स नाइन फोर फोर फाइव सेवन एट सेवन सो पॉइंट एट थ्री 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 आई थिंक थ्री डेसिमल तक है फिर है पॉइंट सिक्स नाइन फोर फोर राइट एंड द लास्ट बींगाइव सेवन एट सेवन तो ये आंसर आएगा प्लस इसमें मुझे ऐड करना है टर्मिनल वैल्यू सो so, टर्मिनल वैल्यू क्या है सो दिस इज देखो ईयर यी के एंड तक का तो वैल्यू मेरे को यहां पे मिल गया ईयर थ्री के एंड तक का तो वैल्यू मेरे को यहां पे मिल गया टर्मिनल वैल्यू इज द वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर अब फोर्थ ईयर का बिगनिंग या थर्ड ईयर का एंड कहना ऐसे एक ही बात है बराबर ना ओपनिंग स्टॉक की क्लोजिंग आई मीन जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है वही अभी का ओपनिंग स्टॉक बनता है तो मेरा ईयर थ्री का एंडिंग बोलू या ईयर फोर का बिगनिंग बोलू मेरे को बेसिकली डिस्काउंटिंग रेट तो सेम ही लेना पड़ेगा बिकॉज इट इज वन एंड द सेम डे ओनली राइट तो फोर्थ ईयर के बिगनिंग से परपेचुअली मेरे को कितना रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस आने वाला है जो थर्ड ईयर का आया है दैट मल्टीप्लाई बाय द टेन बिकॉज टेन टाइम्स का यहां पे मल्टीपल वैल्यू दिया है द मल्टीपल फॉर टर्मिनल इज टेन सो यहां पे आई विल मल्टीप्लाई दिस थ्री लाख थोड़ी uh, कितना है थोड़ी सिक्स लाख मल्टीप्लाई बाई टेन एंड इट विल बिकम यस थ्री पॉइंट सिक्स थ्री पॉइंट सिक्स अब ये चारो चीजें एड हो जाएंगी सो थ्री सिक्स मल्टीप्लाई सेवन सो ये आगे आपका टू जीरो थ्री टू 20833200, वैसे ही आपके ये चारों भी आगे हैं ये तीनों भी जो आपके नंबर्स आ जाएंगे यू विल ऐड ऑल ऑफ मिल जाएगा क्या वैल्यू ऑफ द स्टार्टअप वैल्यू ऑफ स्टार्टअप इज वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस ये टर्मिनल वैल्यू ये आया है आपका वैल्यू ऑफ स्टार्टअप एज पर द बेस्ट केस सिनारियो इमीजिएटली यही यही वर्किंग के हिसाब से आप लोग बेस केस एंड वर्स्ट केस भी कैलकुलेट करोगे गाइस एंड लास्ट में क्या कर दोगे इन तीनों केसेस का उन्होंने अपने को दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी से यहां पे दिया है थर्टी परसेंट बेस्ट केस का अपना ये जो आंसर आया है इधर मल्टीप्लाई दैट बाय थर्टी परसेंट वी विल गेट फाइनल आंसर ही मैं सेम चीज करूंगा ठीक है ना ये एक हो गया ऐसे ही बेस केस के लिए कितना प्रोबेबिलिटी का परसेंटेज दिया so, सिक्सटी परसेंट हो जाए मल्टीप्लाई बाय सिक्सटी परसेंट सेम मेरे पास वैल्यू ऑफ केस में भी आ जाएगा अभी टेन परसेंट ही बचा है ये ये तीनों को जब आप ऐड कर दोगे ना यू विल गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ द स्टार्टअप यू विल गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ द स्टार्टअप आर वी क्लियर गाइस समझ में आ गया अभी वापस से बताता हूं बेस्ट केस का रेवेन्यू दिया एक्सपेंस दिया माइनस करके अपने पास आ गया ये तो एक साल के बाद मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू पे भी लेकर आ गए हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पे भी लेकर आ गए ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री तीनों को प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आ गए ईयर फोर टर्मिनल वैल्यू स्टार्ट हो रहा है

मॉडल। आई होप एकदम सिंपल था एंड इजीली समझ में आ गया होगा। कल मैं करवाने वाला पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का पार्ट एंड एनीथिंग यू लेट मी नो। वैसे टेलीग्राम चैनल पे लिंक भी दिया है प्लीज जॉइन विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू एंड मिलता है बेस्ट ऑफ लक फॉराम